पूछा सिंगल हैं तो नायरा ने कहा सुनाई नहीं दिया, मतलब बच गई। नमस्कार, मैं हूं शशिप्रिया और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। नायरा बेहद ही खूबसूरत एक्टर, नायरा ने बताया सिंगल हैं या नहीं, आज इस मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। तो आज नेक्स्ट नाइन लाइफ में हम बात करेंगे टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि नायरा और कार्तिक की, जी हाँ कार्तिक मोशीन जिनकी हम बात कर रहे हैं। और अब जिस तरीके से इस कहानी में ट्विस्ट आने वाला है वो कहानी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा रोचक होने वाला है, क्योंकि इस कहानी को हम आपके समक्ष रखने वाले हैं। जल्द ही 3000 एपिसोड पूरे करने की बात कही जा रही थी और इस एपिसोड ने बहुत सारी अच्छी और खट्टी मीठी यादें छोड़ी है। इसके साथ शो के नाम सबसे ज़्यादा चलने वाले सोर्स की लिस्ट में शुमार हो चुके हैं। कोई दो राय नहीं है कि शो का सफ़र इमोशनल से भरपूर रहा है और इमोशन के मामले में इसने सारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं सबको साथ में ले लिया है। ये रिश्ता क्या कहलाता है ने 11 सितंबर 2008 को शूटिंग शुरू की थी और 11 सितंबर 2019 को 11 साल पूरे कर लिए। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है से टीवी की दुनिया में राज करने वाली नायरा यानी शिवांगी जोशी इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं। शिवांगी के फैंस जानना चाहते हैं कि वो रियल लाइफ में सिंगल हैं या नहीं। अब एक्ट्रेस ने इस पर रिएक्ट किया है, क्या रिएक्ट किया है ये हम आपको बता देते हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले शिवांगी जोशी कोलकाता दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करने के लिए पहुंची। यहां फैन ने उनसे सवाल किया कि क्या वो सिंगल हैं। इस सवाल पर वो पहले तो मुस्कुराई, फिर बहुत ही स्मार्टली बात को टाल दिया। एक्ट्रेस ने माइक पकड़कर कहा मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। सोशल मीडिया पर शिवांगी का ये वीडियो वायरल हुआ और काफी वायरल हुआ, इतना ज़्यादा कि शिवांगी को लेकर कई चर्चाएं होने लगीं। बता दें कि शिवांगी के उनके को स्टार मोहसिन खान यानी कार्तिक के संग रिलेशन में होने की खबरें हैं। दोनों के अफेयर की चर्चा टीवी की दुनिया में छाई हुई है। क्या यह सच है, आपको क्या लगता है, क्या ऐसा हो सकता है? एक टीवी मीडिया को उन्होंने इंटरव्यू देते हुए बताया था कि हमें दोनों को लेकर कई तरह की कहानियां बनाई जा रही हैं पर हम दोनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम नहीं चाहते हैं कि इस वजह से हमारी दोस्ती और काम पर कोई असर पड़े क्योंकि हमारी अच्छी दोस्ती है। यही वजह है कि स्क्रीन पर कार्तिक और नायरा के किरदारों में ये दिखाई देता है। वो कहते हैं कि मैं कह सकता हूँ कि मोहसिन और शिवांगी के रूप में हमारा रिश्ता वैसा ही है जैसा शो में कार्तिक और नायरा का संबंध है। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि प्रसारण टीवी चैनल पर आता है और दोनों एक्ट्रेस की केमिस्ट्री शो में साफ साफ झलकती है। फैंस को भी दोनों की बॉन्डिंग काफ़ी पसंद आती है। बहरहाल आपको बता दें कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में ज़बरदस्त ट्विस्ट सामने आया है। नायरा और कार्तिक के डिवोर्स की प्रक्रिया कोर्ट रूम में शुरू हो चुकी है। अब इस बीच कार्तिक नायरा के रिश्ते के बीच लव कनेक्शन देखने को मिला। कोर्ट में नायरा को वकील द्वारा काफी भला बुरा कहा गया है लेकिन कार्तिक नायरा के बारे में एक शब्द गलत नहीं सुन पाता है। वहीं सबके बीच वेदिका के चेहरे के रंग भी उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर क्या है ये रंग? बिल्कुल उड़ना तो है ही, क्योंकि उसके पति पे किसी और का अधिकार है और पत्नी को तो गुस्सा आएगा ही और वो हमेशा जलती रहती हैं। बीते दिनों के एपिसोड की अगर बात करें तो उसमें कोर्ट रूम का सीन दर्शकों के सामने लाया गया था जहां नायरा को कटघरे में खड़ा किया गया था। नायरा मासूम चेहरे के साथ सारे इल्ज़ाम सुनती रही, कार्तिक सामने खड़ा देखता रहा। लेकिन जब वकील नायरा के एक अच्छी माँ न होने के बारे में कहती हैं तभी कार्तिक चिल्ला उठता है। वो बोलता है कि नायरा के लिए उसने ये सब कैसे कहा। कार्तिक जानता है कि उनके बेटे कायरव के लिए नायरा ने कितने दुख सहे हैं, कायरव को पालने के लिए क्या कुछ नहीं किया नायरा ने, उसे अकेले पैदा किया। ऐसे में कार्तिक का खून खौलता है और वो वकील को उल्टा सुना देता है, मतलब भरा बुरा बहुत सारी बातें कह देते हैं। टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है इस वक्त दर्शकों का पसंदीदा शो बन चुका है क्योंकि इस वक्त उसमें चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, पति पत्नी और तलाक का ड्रामा। कार्तिक नायरा के बीच की दूरियां दर्शकों को तड़पा रही हैं। यहां ऑडियंस और कार्तिक नायरा के बीच स्ट्रॉन्ग कनेक्शन देखा जा सकता है।
अब कहानी में नायरा और कार्तिक ने एक बार फिर से शादी कर ली है, लेकिन नशे में। दरअसल ऊपर से कार्तिक और नायरा एक दूसरे के प्रति गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, लेकिन अंदर से दोनों आज भी एक दूसरे को बेहद प्यार करते हैं। लेकिन हालातों के चलते और वेदिका की वजह से नायरा कार्तिक से दूर भाग रही हैं। इधर कार्तिक नायरा के डिवोर्स केस की तैयारी जो चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कार्तिक नायरा को गुंडे उठा ले जाते हैं और एक स्टोर रूम में बंद कर देते हैं। इस बीच कार्तिक और नायरा एक दूसरे के साथ फुल मस्ती और इमोशन बांटते हुए दिखते हैं। आने वाले एपिसोड में इस सीन को और भी रोचक तरीके से दिखाया जाएगा। मतलब प्रोड्यूसर पूरी पूरी कोशिश कर रहा है कि कैसे ऑडियंस उनकी तरफ आए, और कोशिश होनी भी चाहिए। नशे की हालत में ही दोनों अपने दिल की बात कहते दिखते हैं और फिर शादी कर लेते हैं। इस तरीके की सीन्स क्रिएट किए गए हैं। शिवांगी जोशी भारतीय अभिनेत्री हैं और शिवांगी का जन्म देहरादून उत्तराखंड में 18 मई 1998 को हुआ था। शिवांगी आज की लोकप्रिय धारावाहिक ये रिश्ता क्या कहलाता है में मुख्य किरदार निभा रही हैं। इससे पहले शिवांगी ने बेगूसराय में भी मुख्य किरदार निभाया था। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है से टीवी की दुनिया में राज करने वाले नायरा यानी शिवांगी जोशी इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं। शिवांगी के फैंस जानना चाहते हैं कि वो रियल लाइफ में सिंगल हैं या नहीं। अब एक्ट्रेस ने इस पर रिएक्ट कर दिया है और उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि वो हैं भी और नहीं भी। दरअसल हाल ही में शिवांगी जोशी कोलकाता दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करने के लिए पहुंची थी। यहां पर फैंस ने उनसे सवाल किया। हम आपको बता दें कि उनके इतने सारे फैंस हैं कि एक लड़की तो उनके गले लग गई, और जब उनसे पूछा गया शादी की बात तो इस सवाल पर वो पहले तो मुस्कुराई और स्मार्टली बात को टाल गई। एक्ट्रेस ने माइक पकड़ कर कहा कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। सोशल मीडिया पर शिवांगी का ये वीडियो खूब वायरल हुआ। बता दें कि शिवांगी के उनके को एक्टर मोहसिन खान संग रिलेशन में होने की खबरें हैं और दोनों के अफेयर की चर्चा टीवी की दुनिया में छाई हुई हैं। बातचीत में मोहसिन ने कहा था कि हम दोनों को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं उस पर मैं ज़रा भी ध्यान नहीं देता, क्योंकि इससे हमारे करियर और दोस्ती पर ख़तरा बन सकता है। अगर हम एक दूसरे की बुराई सुन लें और फिर एक दूसरे को लेकर इस तरीके की बातें सोचिए तो हो सकता है कि हमारे काम पर असर पड़े, और बिल्कुल ऐसा ही होता है। लोगों का काम है कहना, और लोग जो कहते हैं कहने दीजिए, क्योंकि लोग तो इसी तरीके से कहेंगे ही, लेकिन हमें जो करना है वो हम ही करेंगे। रियल लाइफ में भी नायरा बेहद खुशमिजाज हैं, अपने छोटे भाई के साथ ढेर सारी मस्ती करती हैं, और इसके अलावा उनकी मामा उनके साथ टिफ़िन भरकर बहुत सारा खाना देती हैं बास्केट में, जो वहाँ पर ले जाकर वो खाती हैं। और उन्होंने बहुत ही बेहतर तरीके से अपने मेकअप रूम को सजाया है, सवारा है, और उनका मेकअप रूम बहुत ही अच्छा है। तो सब कुछ नायरा ने अपने तरीके से बनाया। जब वो शूट पे जाती है ना, तो उनके साथ ही चुटकी भी है, उनके साथ बहुत सारी मस्ती करती है नायरा। तो नायरा अपने इस पूरे जो उनकी फैमिली है और जहाँ पर वो शूट करती हैं और शूटिंग के दरमियान जितने लोग मिलते हैं उन सब के साथ बहुत ही अच्छा बनाकर रख चुकी हैं, और वहाँ पर बहुत सारे प्यार के साथ वो रहती हैं। तो कार्तिक और नायरा को लेकर जितनी बातें लोग करते हैं उस पर कार्तिक ने यानी मोहसिन खान ने जो कहा है वो बिल्कुल सच है कि अगर हम किसी की बात को लेके बैठ जाते हैं तो हमारा काम खराब हो जाता है। रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि जब हम जीवन में बहुत सारी चीज़ों को पकड़ लेते हैं तो फिर हम उससे बाहर नहीं निकल पाते। तो इतिहास को कभी भी उस तरीके से मत दोहराइए, जो अच्छी चीज़ें हों उसे दोहराइए और उसको लेकर आगे बढ़िए। नेक्स्ट नाइन लाइफ का उद्देश्य यही है कि उन तमाम सक्सेस स्टोरीज के बारे में आपको बताएं जिससे आपके जीवन में कुछ बदलाव आए। तो नायरा को ले लीजिए, बहुत ही कम उम्र की हैं और नायरा ने जिस तरीके से अपने जीवन में सफलता को पाया है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नायरा जो है वो कभी आज तक फेल नहीं हुई है। वैसे कहते हैं कि फेल होना भी बुरी बात नहीं है, लेकिन 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 नायरा की जीवन की कहानी ऐसी है कि हर जगह उन्हें बहुत सारे सम्मान मिले हैं, बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। तो नायरा और कार्तिक के जीवन में हर बार एक नया मोड़ आता जा रहा है, और इस बार भी जो मोड़ है और जो ड्रामा क्रिएट किया गया है कोर्ट रूम का, उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है
इस पर दीजिए अपनी राय और बताइए कि वाकई में कार्तिक और नायरा के बीच क्या है कोई रिश्ता, क्या वाकई में ये रिश्ता क्या कहलाता है, में सचमुच में ये दोनों रियल लाइफ के कपल बन सकते हैं। कई सवाल हैं और इन्हीं सवालों के जवाब आप सभी को देने हैं, तो जल्दी से कीजिए कमेंट और हमें बताइए कि वाकई में क्या ऐसा कुछ चल रहा है। नेक्स्ट नाइन लाइफ में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइफ, सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट नाइन लाइफ, बेल आइकन दबाइए, नमस्कार।